एक समय की बात है, उत्तर प्रदेश के एक गांव में मल्हा नाम का एक छोटा सा बच्चा रहा करता था, जो देखने में बहुत ही प्यारा और गोल मटोल और सुंदर दिखाई देता था। लेकिन उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे, जिसकी वजह से वो अकेला हो गया था। पर गांव वाले इतने ज्यादा अच्छे थे कि उन लोगों ने उस बच्चे को पालने का बीड़ा उठाया। उसी गांव की एक औरत अनुप्रिया ने कहा कि इस बच्चे को मैं गोद ले लेती हूँ, क्योंकि मेरा कोई अपना बच्चा नहीं है, इसे मुझे भी एक संतान मिल जाएगी और इसे भी एक माँ। जिसके बाद मल्हार को अनुप्रिया ही पालती है। अनुप्रिया तो उससे बहुत प्यार करती थी, साथ ही सभी गांव वाले भी मल्हार को बहुत ज्यादा प्यार करते थे। ऊपर से वो काफी ज्यादा नादान था, जिसकी वजह से कोई भी उसके भोले से अंदाज पर मर मिट जाता था और उसे अपना दिल दे बैठता था। इतने भोले होने की वजह से ही सभी उसकी बात माना करते थे, वो जो भी कहता सब वही करते। साथ ही हर एक त्योहार पर सभी गांव वाले मल्हार को कुछ न कुछ गिफ्ट देते रहते थे और हर त्योहार उसके साथ ही मनाया करते थे। ऐसे ही समय बीतता गया। गणेश चतुर्थी का महान त्योहार नजदीक आ रहा था, जिसकी तैयारियां उस गांव के लोगों ने एक महीने पहले से ही शुरू कर दी थी। सभी अपने अपने कामों में व्यस्त थे और मल्हार भी खेलते कूदते हुए अपना दिन बिता देता था। वो भगवान गणेश को बहुत ही पसंद करता था और उसे वो जहाँ भी दिखाई देते वहीं उनकी पूजा करने बैठ जाता था, जिसके इस अंदाज को देखकर गांव वाले उसे और भी ज्यादा प्यार करने लगे थे। ऐसे ही जब गणेश चतुर्थी नजदीक आ रही थी, गांव वालों को उस भोले से नादान मल्हार में गणेश भगवान का अवतार दिखने लगा था। मल्हार जो भी कहता वो सब कुछ सच हो जाता, जिसे देखकर सभी गांव वाले सोचने लगे थे कि मल्हार के ऊपर स्वयं गणेश जी का ही आशीर्वाद है। जिसे देखने के बाद सभी गांव वाले उसे बाल गणेश कहने लगे थे और उसका काफी ज्यादा सम्मान भी करने लगे थे। सभी कहते थे कि अरे मल्हार के अंदर तो स्वयं गणेश जी बसते हैं, ये बच्चा ही इतना अच्छा है कि भगवान का आशीर्वाद तो इसके ऊपर ही होना ही था। ये सारी बातें होने के बाद सभी गांव वाले मिलकर ये फैसला करते हैं कि इस बार गणेश चतुर्थी पर हम सब गणेश जी की पूजा तो करते ही हैं और करेंगे भी, और उनके साथ साथ हम मल्हार को भी बाल गणेश के तौर पर पूजेंगे और इसके नाम पर एक अनाथालय भी खुलवाएंगे, ताकि मल्हार जैसे बाल गणेश अनाथ न हो जाएं। और ये बात जब अनुप्रिया को पता चली तो वो भी काफी ज्यादा खुश हो गई थी। तभी अनुप्रिया अपने घर के लिए एक छोटे से बाल गणेश की मूर्ति लेकर आई और उसे मंदिर में रखकर उसकी गणेश चतुर्थी के दिन पूजा की और भगवान गणेश से कहा कि हे गणपति बप्पा, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया कि तूने मुझे मल्हार जैसा बाल गणेश दिया। शायद इसलिए आपने मुझे मल्हार की माँ के रूप में चुना, ताकि मुझे मल्हार जैसा बेटा मिल सके। तो दोस्तों, आपको हमारे छोटे से बाल गणेश की एक कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।